हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सक्सेस वेल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करेंट अफेयर्स हम किस तरह से स्मार्टली कवर करें, मतलब किस तरह से हम करेंट अफेयर्स को पढ़ें जिससे कि एग्ज़ाम में हम अच्छा आउटपुट दे पाएँ और हाई स्कोर कर पाएँ करेंट अफेयर्स के सेक्शन में। सो बीपीएससी में करेंट अफेयर का वेटेज ऑलमोस्ट 20% हो जाता है अगर बिहार स्पेशल भी आप ऐड कर दें तो। सो ओवरऑल करेंट अफेयर लगभग 20% क्वेश्चन का हिस्सा होता है, तो इसलिए करेंट अफेयर बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि करेंट अफेयर्स हम किस तरह से पढ़ें। मेरे पास एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स है ईयरली, आपको जो पसंद है आप वो करेंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। बस हमें देखना ये है कि हम इसे पढ़ें कैसे कि मैक्सिमम हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैक्सिमम ग्रैप कर सकें उससे। अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी की इसकी बुक आती है वो ले सकते हैं। आप इसके जगह स्पीडी भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी मैगज़ीन है करंट अफेयर्स के लिए। मैंने एडुटेरिया अपनी हिसाब से चूज़ किया है इंग्लिश वर्जन। सो देखते हैं कि करंट अफेयर्स किस तरह से हमें पढ़ना है ताकि हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। सो सबसे पहले अगर हम इसे खोलते हैं तो हमारे सामने आ जाता है बजट और फिर इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद कुछ इस तरह से इस बुक में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में दिया हुआ है, फिर वन लाइनर्स दिया हुआ है फटाफट 100.com, उसके बाद फिर ब्रांड एम्बेसडर, ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सो हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, अगर आप पेज वन से स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ दिन में आपको लगेगा कि जो टॉपिक एक के बाद एक आते जा रहे हैं आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि बोर है चलो हटा देते हैं बुक बंद यहाँ पे काम ख़त्म। ऐसा हमें नहीं करना है। हम किस तरह से करंट अफेयर्स को करेंगे तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इस बुक के पीछे और पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81 से है मेजर नेशनल इवेंट्स। सो अब मेजर नेशनल इवेंट्स है यहाँ पे मंथ वाइज, सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंथ वाइज करेंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या है ना कि जब ये हम पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर्स नहीं है, कुछ पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इस तरह से ये हमें इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब हम एक मंथ का कंप्लीट कर लेंगे तो लगेगा कि चलो भाई मार्च का तो हो गया, मार्च एक महीना निकल गया। उसके बाद फिर ऐसे करके हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि मार्च और फरवरी दोनों महीने का ख़त्म कर लें। सो हमें उसी हिसाब से करंट अफेयर्स को अपना करना है मंथ वाइज। सो इसी तरह से ये नेशनल पार्ट है, फिर इंटरनेशनल पार्ट आ जाता है इसका। जब नेशनल एक साल का ख़त्म हो गया तो आपका आ जाता है इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल हम कर लेंगे इसी तरह से मंथ वाइज। उसके बाद फिर हम कर लेंगे साइंस और टेक का, इसका जो है डिफेंस और साइंस टेक का पोर्शन ईयरली वो ख़त्म कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये पेज नंबर 114 तक आकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स है तो 114 पेज नंबर तक का है। तो एक दिन में हम 4 से 5 पेज करने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम 2 महीने का हमारा करेंट अफेयर एक दिन में हो जाए। तो इसके बाद क्या होगा ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि चलो भाई कर लिया, 2 महीने का हो गया एक दिन में, तो उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट है अभी हम ऐसे टॉपिक्स को पहले ख़त्म करेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। सो हम यहाँ पे इंडेक्स में जाकर देखते हैं वो टॉपिक्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि बजट, इसका पहला ही टॉपिक है बजट, तो बजट कर लेंगे। बजट इकोनॉमिक में आ जाता है इकोनॉमिक सेक्शन में, करंट अफेयर इसी से पूछा जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों को हम पहले कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे तो फिर हम चले आएंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, फॉरेस्ट रिपोर्ट और थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ये ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स में आ जाएगा। साथ ही जीआई टैग भी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जीआई टैग कर लेंगे, ये भी ज्योग्राफी के पोर्शन में आ जाएगा। प्लस लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन मिनरल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, सो कौन सा देश सबसे आगे है राइस के प्रोडक्शन में, या कौन सा भारत का स्टेट सबसे ज़्यादा है कॉटन के प्रोडक्शन में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला कर लेंगे। साथ ही जब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो उसके साथ ही हम कर लेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स, ये भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये सब जो मेन टॉपिक्स हैं हम करंट अफेयर्स का पहले वो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर लेंगे, उसके साथ ही इंडेक्सेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडेक्सेस ख़त्म करेंगे। फिर डेज और थीम्स ये ख़त्म कर लेंगे। फिर क्या हो जाता है कि जब हम मंथ वाइज वाला ख़त्म करते हैं ना तो हमारा इतना पोर्शन ख़त्म हो गया, 4 टॉपिक इसमें से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फिर हम चले आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट कैंपेन्स है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हम करेंगे। फिर इसरो, जो साइंस वाले पोर्शन में इसरो बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो
इसरो साइंस टेक में, इससे इसरो से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है, मिशन है इसरो के, वो हम ख़त्म कर लेंगे। फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्पोर्ट्स इसमें चार टॉपिक में दिया हुआ है, तो स्पोर्ट्स कवर कर लेंगे हम। फिर सरकार के जो अपकमिंग गोल्स हैं गवर्नमेंट के, वो वाला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मलेरिया इरेडिकेशन का गोल कब तक का है, ट्यूबरकुलोसिस का कब तक का है, और इसी टाइप के जो भी रहेंगे वो हम फिर कर लेंगे। उसके बाद फिर आ जाती है बात रिपोर्ट्स की, जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट, वो सब जो हो जाता है वो हम ख़त्म कर लेंगे। फिर अब इतना ख़त्म करने के बाद, जो जितना भी मैंने टिक किया, अगर आपके पास बुक है तो आप टिक कर सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट 70% हमारा कवर हो चुका है। मतलब अगर 30 नंबर का करंट अफेयर आया है तो मे बी यही सारे टॉपिक से आपका 21 नंबर कवर हो जाता है। बाद में अगर समय नहीं है तो आप ये सारे जो बचे हुए टॉपिक है उसको एक एक बार रीडिंग डाल सकते हैं, या मैक्सिमम दो बार, ताकि कुछ आपके दिमाग में रह जाए, क्योंकि ऑप्शन जब दिए रहते हैं तो आप फिगर आउट कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी। अगर फिर भी आपके पास समय है तब तो हम सारा पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक्स है इसे हमें लगभग कम से कम 3 बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, तभी वो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो 3 बार हम मिनिमम रिवाइज़ करेंगे, और साथ में जब ये सारा हो जाए तब हम चले जाएंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ। इस बुक का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पहले करना, तो हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चले जाएंगे। इस बुक की खासियत ये भी है कि इसमें 1000 क्वेश्चन का सेट है, यानी कि 20 पार्ट में डिवाइडेड है, 20 सेट्स है, और टोटल 1000 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी BPSC से मैच करता है। तो हम इससे जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं वो एक एक सेट करके करेंगे। फर्दर जो आने वाले वीडियोस में हम सारा सेट बनाएंगे भी, और सेट बनाने का भी एक रूल है कि आप इस बुक में नहीं मार्क करें। बुक में मार्क करने से क्या होगा ना कि जब आप रिविजिट करेंगे सेट को तो पहले से मार्क किया रहेगा, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए दोबारा करने के लिए। तो आप एक कॉपी में नंबरिंग करके फिर उसके बाद उसमें अपना ऑप्शंस फिल करके क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से सेट सॉल्व करेंगे। सो फ़ायदा क्या है ना कि एक हफ्ता बाद आप वापस इस सेट को एक तरफ देखने जाएंगे, वापस इसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको मार्क नहीं किए रहेंगे, तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप इस सेट को दोबारा कर पाइएगा। सो इस तरह से हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। सो ऐसा करने से हमारा मैक्सिमम, जो हमने जितना भी इनपुट दिया उससे मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा एग्ज़ाम में। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।